टिकट कट सकते हैं। चौथी सूची में भी 8 मंत्रियों को नहीं मिला टिकट और बचे हुए मंत्रियों को लेकर संगठन नहीं ले सकता है फैसला। एमपी में अभी 94 सीटों पर टिकट आना बाकी है और इन सीटों पर मंत्री समेत 67 विधायक काबिज हैं। इन मंत्रियों के टिकट पर संकट गहराता नजर आ रहा है और सुरेश धाकड़ राव, खिलावन पटेल, ब्रजेश सिंह यादव और ओपीएस भदौरिया जो मंत्री हैं वो हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। सुरेश धाकड़ राम, खिलावन पटेल और ब्रजेंद्र सिंह यादव ये वो मंत्री हैं जिनके टिकट कट सकते हैं। ओपीएस भदौरिया, इनके टिकट पर भी कहीं ना कहीं संकट के बादल मंडरा रहे हैं। महेंद्र सिंह सिसोदिया, उषा ठाकुर, ये तमाम मंत्री हैं जिनको टिकट नहीं मिल सकता है। इंदर सिंह परमार, राकेश चतुर्वेदी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। राकेश जी, अभी जो खबर निकलकर सामने आई है इस खबर के मुताबिक अब मंत्री जो बचे हुए हैं जिन्हें टिकट नहीं मिला है उन्हें टिकट देने को लेकर संकट कहीं ना कहीं गहरा सकता है, उन्हें टिकट उनके टिकट कट सकते हैं। बिल्कुल, और इस तरह के आसार इसलिए भी बने हैं क्योंकि जो चौथी सूची है वो सिटिंग एमएलए की है जिसमें 24 मंत्रियों को टिकट दिए गए हैं, बाकी विधायक हैं, लेकिन इसमें 9 मंत्रियों के टिकट नहीं है। और 9 मंत्रियों में से यशोधरा राजे सिंधिया की बात करें तो वो आगे लेकर सरकार से पहल कर चुकी हैं, पार्टी से कह चुकी हैं कि उनको चुनाव नहीं लड़ना, वो अपनी इस तरह से मन बनाए हुए हैं, लेकिन संगठन चाह रहा है, बीजेपी चाह रही कि वो चुनाव लड़ें। अब बचे 8 मंत्री हैं, उन मंत्रियों के इस सूची में नाम नहीं आना इसी ओर इशारा कर रहे हैं। और जैसे कि खबरें निकलकर सामने आ रही थी, तमाम जो सर्वे हुए थे, जो संगठन ने फैसला लिया था जिसमें यह माना जा रहा था करीब 8 से 10 मंत्री हैं उनके टिकट कट सकते हैं, उनको मैदान में नहीं उतारा जाएगा। अब जब ये खबरें निकलकर सामने आई थी और जिनको टिकट नहीं दिए गए हैं वो ये 8 मंत्री हैं, और बड़ी बात यह है कि 8 मंत्रियों में से 4 मंत्री हैं वो सिंधिया समर्थक हैं। हालांकि बीजेपी की ओर से यही कहा जा रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशियों को टिकट दिया जाएगा, लेकिन जो 5वीं सूची की अब जो तैयारी शुरू होगी इसको सूची को लेकर जो मंत्रियों को टिकट नहीं दिए गए इनकी धड़कनें जरूर बढ़ी हुई हैं। हम टोटल सीट की बात करें तो 94 टिकट होना अभी बाकी है और 94 में से इन जो 9 मंत्री हैं इनको मिला लिया जाए तो 67 ऐसे विधायक हैं जिनका कि अभी टिकट आना बाकी है, यानी मंत्रियों के साथ कई ऐसे विधायक भी होंगे जिनको जिनका टिकट कटने के आसार हैं। हालांकि अभी जो तमाम दौर का बैठक होगी, जो कवायद होगी, जो मंथन होगा, उसके बाद ये डिक्लेयर होगा, लेकिन फिलहाल हम तमाम मंत्रियों की बात करें तो फिलहाल मंत्रियों की धड़कनें इस बात को लेकर बढ़ी हुई हैं कि अगली सूची में उनका नाम होगा या नहीं। राकेश जी, देखिए धड़कनें बढ़ना भी यहाँ पे लाजमी है क्योंकि बड़े ही चौंकाने वाले फैसले इस बार बीजेपी आलाकमान की तरफ से लिए जा चुके हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, एक सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि क्योंकि देखिए अब कहीं ना कहीं विरोध के स्वर भी मुखर होंगे, उनको कैसे कंपनसेट करेगी आलाकमान? देखिए, जो बीजेपी की हम तमाम तैयारी की बात करें, जो टिकट बांटने का क्राइटेरिया तय किया गया है उसमें पहला क्राइटेरिया तो यही है कि जो जिसको टिकट दिया जा रहा है चाहे वो वर्तमान में मंत्री हो, विधायक हो, दावेदार हो, पूर्व विधायक हो या फिर कोई आम कार्यकर्ता, यदि उसके जीत के समीकरण है तो ही टिकट दिया जाएगा। और जीत के समीकरण तय करने के लिए जो फार्मूला है वो सर्वे का लिया गया है। सर्वे एक बार का नहीं हुआ, एक साल से लगातार सर्वे हो रहा है। मध्य प्रदेश की टीमें सर्वे कर रही हैं, केंद्र की अलग टीमें सर्वे कर रही हैं, अमित शाह की टीम खुद अलग से सर्वे कर रही है। जो सर्वे का निचोड़ है उस निचोड़ के आधार पर टिकट दिया जा रहा है, ये बीजेपी का दावा है। अब जो सर्वे है, तमाम सर्वे में, इन सर्वे में यदि जीत की स्थिति नहीं बन रही तो उनके टिकट कटना लाजमी है, ये संगठन का लगातार कहना है। और संगठन यही कह रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी को ही टिकट दिया जाएगा, लेकिन जो तमाम दावेदार हैं, जो अपने अपने दावे कर रहे हैं, जिनके बड़े नेताओं से संपर्क हैं, वो अपने प्रयास में लगे हुए हैं कि उनको टिकट डिक्लेयर कर दिया जाए। हालांकि अभी बात करें तो कुल जो 94-96 जो टिकट बाकी जारी होना बाकी है उसको लेकर नए सिरे से मंथन होगा, तो ऐसे में धड़कन इसी बात को लेकर बढ़ी हुई है क्योंकि संगठन जो बार बार संदेश दे रहा है, जो आकलन किया जा रहा है कि टिकट तो सब कटेंगे, अब जिनके टिकट नहीं कटे तो उनके टिकट कट सकते हैं। यही कारण है कि जो धड़कने बढ़ने वाली बात है, मंत्रियों के साथ तमाम विधायक भी हैं जिनको की टिकट जिनका कट सकता है। तो फिलहाल हम बात करें तो मध्य प्रदेश में अभी नए सिरे से फिर मंथन होगा, तमाम सीटों को लेकर फिर नए सिरे से जो सर्वे जो है सर्वे के आधार पर मंथन जारी होगा, उसके बाद ही डिक्लेयर होगा कि किसको टिकट देना है किसको नहीं देना है। लेकिन फिलहाल बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि 5वीं सूची आने में अभी इंतजार है, यानी टिकट के लिए अभी और इंतजार करना होगा। तो कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं, सिर्फ एक क्राइटेरिया है, आपको जीतना है किसी भी तरीके से और इसी के तहत टिकट दिया जा रहा है। फिलहाल डिटेल्स जानें।